स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2। आपने प्राइम नंबर टेबल पढ़ लिया था, उसके आगे की क्वेश्चंस हम देखते हैं। आपने जो कल प्राइम नंबर टेबल बनाया था बेटा, उसमें आपने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन एंड ओड, ये सब कर लिए थे। उसमें एक टॉपिक रह गया था को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होते क्या है? ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ कॉमन क्या रहे, ओनली वन, जिनके बीच कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली वन, या यूं कह सकते हैं जिनका एचसीएफ क्या है, ओनली वन। तो को प्राइम कभी भी सिंगल नहीं आता, ये पेयर में होता है। जैसे आप शू खरीदते हो बेटा, तो आप शू कितने लेके आते हो, टू ही पीस लेके आते हो। तो अगर दो पीस होते हैं हमारे शू में, तो क्या होता है, एक पेयर। ये थोड़ी बोलते हो दो जूते, नहीं, एक पेयर होता है शू का। अगर आप एक जूता ले लेते हो तो दूसरा किसी काम का नहीं। तो उसी तरह को प्राइम में एक नंबर खाली, उसको को प्राइम नहीं बताया जाता, कम से कम टू नंबर उसके साथ ब्रैकेट में रखा जाता है, उसको बोलते हो पेयर, पेयर ऑफ अ को प्राइम। ठीक है, ये उसी टेबल में से मैंने एक नंबर छांट कर लिखे हैं जो को प्राइम नंबर्स हैं। इनको आप पेयर्स में भी कर सकते हैं। 107 एंड 109 को जब पेयर में करते हैं तो इनके बीच कॉमन फैक्टर वन ही होगा, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर खाली लिखना है। अब अगर 107 को 113 के साथ पेयर बनाओगे तब भी कॉमन वन ही रहेगा। तो यहाँ मैं वैसे ही आपको इनके दो दो के पेयर बनाकर दिखा रहा। अब यूँ हो गई, एक नंबर बच गया, इसी एक नंबर को 107 के साथ दोबारा भी लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखोगे तो यहाँ चलेगा, क्योंकि हमने पूरी टेबल में से वो नंबर छांटने थे जो को प्राइम है, जो एक दूसरे के साथ जब पेयर बनाते हैं तो उनमें कॉमन फैक्टर वन ही होता है। तो इसको आप इसके साथ भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो चल जाएगा इस क्वेश्चन में तो, लेकिन जब अलग से को प्राइम नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ उसको ब्रैकेट में रखना जरूरी है। तो को प्राइम नंबर कौन हुए, जिनके बीच का कॉमन फैक्टर ओनली वन। ठीक है, ये याद रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 15 एंड 100। आपको ट्विन प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताई थी। ट्विन प्राइम नंबर वो है, प्राइम नंबर तो समझ आ गई ना क्या होते हैं, जिसका सिर्फ वन एंड इटसेल्फ ही फैक्टर होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। अब 15 एंड 100 के बीच के हमें प्राइम नंबर लिखने हैं, लेकिन कौन से ट्विन। ट्विन मीन्स जो दो आप प्राइम नंबर लोगे उनका डिफरेंस 2 हो, उनके बीच का अंतर 2 हो। जैसे मैंने लिया है 17 एंड 19, इनका बीच का जो मैं डिफरेंस निकालूंगी क्या आया 2, इसका मतलब ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट पे लिया मैंने 29 एंड 31, तो इसका 31 माइनस 29 इज 2, तो ये भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। तो मैंने ये सारे पेयर बनाए 41 एंड 43 43 माइनस 41 का क्या करेंगे 2, 59 एंड 61 69 61 माइनस 59 इज 2, 71 73 73 माइनस 71 इज 2। तो ये वो पेयर हैं जो हमारे 15 to 100 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर है। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर ऐसा है बेटा, जब आपको सिखाया गया था, जैसे मैंने 6 का बताया था, जैसे यहाँ 28 एंड 496 का पूछा है, मान लीजिए मैं यहाँ 28 के सभी फैक्टर निकालती हूँ और जब उन सभी फैक्टर को ऐड करती हूँ तो आंसर मेरे पास 28 ही आना चाहिए। अगर मेरे पास आंसर 28 आ जाता है तो वो परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज वो परफेक्ट नंबर नहीं है। तो देखो, जैसे 28 के फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर ऑफ 28 कैसे बनाते थे, 1 मल्टीप्लाई 28, फिर 2 मल्टीप्लाई 14, 2 से भी हो रहा है ना, 3 से नहीं होता, 4 7 जा 7 4 जा, फिर 14 2 जा एंड 28 1 जा, वो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, 28 वन जा आपको नहीं लिखना। अब जो ये फैक्टर हैं, ये 28 के फैक्टर आ गए, 28 को नहीं लेना यहाँ पर। ठीक है, तो फैक्टर क्या हुए हमारे पास, 1 2 4
सम ऑफ फैक्टर्स 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 1 प्लस 2 3 3 प्लस 4 7 7 प्लस 7 14 एंड 14 28 तो यही आ गया हमारे पास जो हम चाहते थे जब 28 ये आ गया तो ये क्या है 28 इज ए परफेक्ट नंबर 28 इज अ परफेक्ट उसके भी देखो मैंने फैक्टर लिख लिए 496 के 1 मल्टीप्लाई 496 2 मल्टीप्लाई 248 4 मल्टीप्लाई 128 124 8 मल्टीप्लाई 62 16 मल्टीप्लाई 31 31 मल्टीप्लाई 16 62 मल्टीप्लाई 8 124 मल्टीप्लाई 4 244 48 मल्टीप्लाई 2 तो ये जो है ये इसके सारे फैक्टर होंगे अब हमें क्या करना नेक्स्ट है सम ऑफ फैक्टर सम ऑफ फैक्टर वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट प्लस 16 प्लस 31 प्लस 62 प्लस 124 प्लस 248 1 प्लस 2 3 ऐसे कर दो बड़ा है ना 4 प्लस 8 12 इनको ऐड करो 3 6 एंड 1 7 3 1 4 प्लस 8 4 2 6 6 2 8 1 और इसमें यूनिट दिया अब करते हैं 3 एंड 12 15 15 पे 47 ऐड कर दो आप रफली भी कर सकते हो देखो कैसे बड़ा नंबर लिख लो ये लेकिन रफ बेस पे करो तो बेटा ये जो एडिशन करके देखोगे रफ में 8 16 14 14 एंड 7 21 23 एंड 26 6 and 8, 14, 14 and 4, 18 and 1, 19, 2, 1, 3 and 1, 4, क्या आंसर आया आपका, 496, और यही हम फाइंड कर रहे थे, तो अगर 496 के फैक्टर का सम 496 ही आता है, तो 496 is a common, is a perfect number, is a perfect आउट करना था आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है सभी बच्चे एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद